हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। चलिए आज समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी असेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी को कह रहे होते हैं, जो कई रीजंस की वजह से हो सकती है। उसके यूज की वजह से, समय के साथ जब कोई असेट पुरानी हो जाती है उसकी वजह से, या फिर उसमें टूट फूट होती है उसकी वजह से, या फिर जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से, या फिर अपग्रेडेशन की वजह से। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई मशीन ली, तो वो मशीन अब आपने कई बहुत सारे लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं की और अब वो टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी हो गई है, तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी और उसको एक डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के हेड में डाला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।